गाइस, वेलकम टू माय मोटो व्लॉग। तो मैं घर से निकल चुका हूँ अभी बहुत सारा काम लेके, और आज हम लोग का चौथा रोज़ा है। देखते देखते 3 दिन कैसे गुजर गए मालूम नहीं। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, बिकॉज ऑफिस में मेरा जो लैपटॉप रखा, अरे भाई मेरा ऑफिस में जो लैपटॉप रखा हुआ है उसको मतलब कुछ इशू आ रहे हैं, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। उसके बाद उसको रिपेयरिंग में डालूँगा। तो यहाँ से ऑफिस लगभग 3-4 किलोमीटर है, और आज आप लोग के साथ है मेरे लीला। बहुत दिन बाद आप लोग कभी देखे नहीं होंगे लीला को मोटो ब्लॉग करते हुए। सो दिस इज़ यू कैन से माय फर्स्ट टाइम अ मोटो ब्लॉग इन लीला। सो माय लव, माय ब्यूटीफुल मशीन। गाइस, इतना लंबा ट्रॉफिक है, अब मुझे कैसे, अब मुझे कट-कूट मारना पड़ेगा, इधर अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, कट कुट मार के ऐसे तैसे कैसे पहुंचना पड़ेगा एटीएम। अरे भाई 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 भाई, चलो चलो चलो। अरे देखो चपड़ी आ रहा है, देखो। ओके ओके ओके, और थोड़ा आगे भाई, और थोड़ा आगे, एटीएम आ जाए तो। अरे मामा, ओके ओके ओके, यहाँ से लेफ्ट, आईसीआईसी बैंक का एटीएम लेफ्ट में। रुको दादा, अंदर जाने दो। यहाँ पर 2 मिनट के लिए पार्क करता हूँ और फटाफट। ओके ओके, तो अभी बंद करता हूँ, नहीं तो आप लोग सब देख लेना मेरा कितना बैलेंस है, ठीक है। अरे कितना टाइम लगेगा, पैसा पैसा आने दो। वाह, वो बहुत पैसा हो गया। अरे बाबा, सब YouTube पेमेंट है गाइस। नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी हम लोग स्टेशन रोड होके जा रहे हैं। ये एक मतलब लफड़ा वाला जगह है, इतना जाम होता है ना, मतलब धकेल के लेके जाओ वही सही है, आपको चलाना नहीं पड़ेगा। अरे ये हम शॉर्टकट होके जा रहे हैं ब्रिज के नीचे से। अबे अबे अबे, तो गाइस इस रास्ते पे शाम को, नहीं तो आप मतलब जब ट्रेन आता है शाम को या रात को, आप मतलब पैदल मतलब बाइक लेके जा नहीं सकते, इतना मतलब आदमी लोगों का रश रहता है। नहीं देखो इसको देखो, अरे भाई मामा, ब्रेक नहीं गाड़ी दे, गाड़ी दे ब्रेक नहीं, ठुके दिले। वेदर एकदम सुहाना हो चुका है, सुहाना मीन सुहाना इस वेदर पे। ओए ये कौन सा ट्रेन है रे भाई, अरे भाई ये कौन सा लोकल है। अरे जब तक बाइक मिल गया हम लोग को, ट्रेन के बारे में पता ही नहीं चला। अरे भाई ट्रेन पे अभी चढ़ना पड़ेगा, आधा डालना पड़ेगा भाई, हम लोग गरीब आदमी है भाई। मैं उसका फ़ैन बन गया, तो जब मेरा YouTube से पेमेंट आना स्टार्ट होगा तो मैं NS को बेच के वो बाइक लूँगा, बिकॉज उस बाइक से मैं इतना तो श्योर हूँ मुझे उस बाइक से और कुछ लेना नहीं पड़ेगा, पूरा इंडिया में घूम सकता हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, तो मेरा भी एक दिन आएगा, हम भी एकदम मतलब चकाचक मतलब वो डिलीवरी लेंगे, जैसे आप लोग देखते हो बहुत सारा यूट्यूबर लोगों का, तो हम भी लेंगे, हम भी घूमेंगे, हम भी लद्दाख ट्रिप करेंगे भाई। और इसलिए तो इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ मैं, मतलब अंकल इंडिकेटर तो जला दो। तो गाइस मैं अभी वो आपका मेरा जो लैपटॉप था उसको रिपेयर करने में आ गया हूँ इधर, तो अभी लेफ्ट में है वो वाला दुकान। अरे बंद है यार,
बंद होगा शायद, देखते हैं। सो गाइस अभी भाई चेक करके बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारा की काम नहीं कर रहा है मेरा लैपटॉप का और ओएस में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे थे और जस्ट 1 घंटा बाकी है, मतलब तो अभी 1 घंटा बाकी है रोज़ा खोलने को। तो मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन जगह पे, हम लोग उलुबड़िया पे, पूरा नदी का किनारा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा जगह है, अपना बाइक और भाई को लेकर आया। सो इधर 1 घंटा थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा टाइम बिताएंगे क्योंकि इस टाइम पे हम लोग के पास कोई काम नहीं रहता है। तो अभी देखते हैं, जब 10-15 मिनट रहेगा तो हम घर चले जाएंगे। मेरे पीछे एक पोल है तो मैं सोच रहा हूँ कि उधर जाऊँगा, उधर जाके आप लोग 360 व्यू देता हूँ। वेदर देखो बहुत ही खूबसूरत हो रखा है और आप लोग जैसे, तो गाइस डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हम कंट्रोल होके जा रहे हैं, गिरेंगे तो रफड़ा हो जाएगा। भाई भय लाग छे भाई, बिस्मिल्लाह। सो गाइस आधा आ चुका हूँ तो आप लोग को एक 360 देता हूँ, देख लीजिए। तो गाइस ये होने वाला है हम लोग का इफ्तार और मेरी आजम दे। अभी शाम के 7 बजे अभी पहुंच गए जिम, अभी बाहर एक दुकान के बाहर खड़े हैं, एक पानी का बोतल लेना है और कुछ चिंगम, बिकॉज अपने लिए एक अमूल का आइसक्रीम ले लिया हूँ, बिकॉज एक नया फ्लेवर था इसलिए लिया। और अभी जाके मैं पूरा एकदम अपना जो सब है सब निकाल दूंगा, सब बंद कर दूंगा। तो गाइस 1 घंटा कंटिन्यूसली पूरा जिम करूँगा और ऐसा अगर हैबिट हो जाएगा तो मैं रोज़ आ जाऊँगा। और अभी हम मतलब अभी तो जस्ट मेरा पहला डे है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को लिमिट इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशर हम नहीं लेंगे बिकॉज इंजुरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है और अभी रोज़ा का महीना है, अगर कुछ इंजुरी हो गया तो आप लोग समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो चलते हैं अभी इसको ट्राई करने के बाद, ओके एंजॉय। आप लोगों को मैं अपना वेट दिखा देता हूँ, तो भाई आके ही पसीना निकाल रहा हूँ देख सकते हो, बहुत मेहनत करूँगा भाई, चैलेंज किया तो अपने आपको फिनिश करके रहूँगा। सो गाइस अभी रात के 10 बज रहे और अभी मैं घर पे हूँ। सो अभी मतलब बाहर का वेदर एकदम बहुत खूबसूरत हो रखा है, तो मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक से लाइक कीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग का प्यार तो देते रहिए, ऐसे मतलब ब्लॉग तो आए मतलब कंटिन्यूसली आएंगे, ठीक है। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।